यह है कि ईद उल अजहा के बारे में जो आपने पूछा है, मैं तमाम सिर नगर वालों को एडवांस मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मुकदस मौके पर। साथ साथ में जो अरेंजमेंट्स हैं उसके सिलसिले में हमने एक रिव्यू मीटिंग की है, जिसमें जो बुनियादी इंतजाम हैं उन सभी को इंश्योर करने के लिए तमाम इकदाम उठा रहे हैं। और उसके साथ मार्केट चेकिंग पिछले दो दिन से आपने देखा होगा, लगातार मार्केट चेकिंग चल रही है और रेट कंट्रोल रजीम हम इन्फोर्स कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी मार्केट्स हैं, जो मंडीज हैं, वहां पर भी काफी अच्छी इन्फोर्समेंट है। तो इस तरीके से सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। तो यहां पर लोकल प्रोडक्शन भी होती है शीप और गोट की और बाहर से भी आते हैं। जो मंडी है वहां इन्फोर्समेंट पूरी है, इनफैक्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए और जो प्रॉपर उसके लिए हमारे वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं और उसके साथ साथ हमारे शीप हस्बेंड्री के ऑफिसर्स भी हैं, मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, सभी को ड्यूटी पर लगाया गया है ताकि पब्लिक को किसी किस्म की भी दिक्कत ना आए। सर, पहली चीज हर किसी को समझ आ जानी चाहिए कि वायरस ना तो छुट्टी मनाता है ना ये वायरस सोता है। किसी को अगर ये गलत फहमी है कि मास्क उतार दें तो हम वायरस इज नॉट अराउंड अस एंड देयरफॉर वी कैन रिमूव मास्क, तो बहुत बड़ी दैट विल बी सुसाइडल। और ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब जब हम ढील बरतते हैं, जब जब हम ये सोचते हैं कि अब पेंडेमिक इज ओवर, वही हमारे लिए ट्रैप भी होता है। फर्स्ट वेव के बाद बहुत जगह पर लोगों ने अज्यूम कर लिया कि बस अब तो कोरोना वायरस है ही नहीं यहां पर, अब तो हम खुलेआम घूम सकते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से सडन एक्सप्लोजन पूरी दुनिया में हुआ वायरस का, इसी तरीके से थर्ड वेव की भी प्रेडिक्शन है। तो उससे पहले हमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। वायरस को किसी त्यौहार से भी लेना देना नहीं है। अगर हम ये समझें कि ईद का त्यौहार है और हम खुली ढील बरते हैं, एसओपी फॉलो ना करें, तो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। वायरस छुट्टी पर नहीं जाता, ना वायरस ईद मनाता है, ना दिवाली मनाता है, कोई भी त्यौहार नहीं मनाता। वायरस इज 24/7 वर्किंग मोड में है और हमें वायरस को कंट्रोल करने के लिए वी विल हैव टू बी मोर स्मार्टर। और अगर हम ये गलती कर बैठते हैं कि त्यौहार है और या कोई दूसरा दिन है कि आज वायरस अटैक नहीं करेगा, आज वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा, वायरस ने सडनली ये सोच लिया है कि आज किसी को भी मैं इन्फेक्ट नहीं करूंगा, तो बहुत बड़ी इग्नोरेंस होगी, बहुत बड़ी साइंस के अगेंस्ट वो बात है। ईद उल अजहा के मौके पर देखो, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि सेल्फ इन्फोर्समेंट सबसे बड़ी चीज है। और अगर आप देखें दुनिया भर के जो मुकद्दस मकामात हैं, तमाम मजाहब के से जो मुंसलिक हैं, सभी पर लोग बहुत एहतियात बरत रहे हैं। तो उसी तरीके से हमें भी एहतियात बरतनी चाहिए। जी सर, अगर जवाब एक ही लाइन में है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो जो चीजें कही गई हैं, जो एसओपीज हैं, वो त्योहार के दिन भी हैं और जिस दिन त्योहार नहीं होगा उस दिन भी सेम रहते हैं। क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक पर्टिकुलर टाइप का एसओपी है और उसको हम किसी दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते वायलेट करना। तो चूंकि बड़ी चीज है, ट्रैफिक का फ्लो जब जब त्योहार आते हैं बढ़ जाता है, वीकेंड्स पे फ्लो ज्यादा होता है और रोड की कैपेसिटी उतनी ही है। और ओवर लास्ट वन डेकेड अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां बहुत ज्यादा रोड पर आ गई, तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी में, बाकी दीगर प्रोजेक्ट्स में। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की हम जल्दी मीटिंग भी करने जा रहे हैं जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाएगा। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी पब्लिक फ्रेंडली। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक फ्रेंडली होगी तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करेंगे। जैसे यूरोप में देखें आप, वेस्ट में देखें बहुत लोग, और हमारे देश में भी अगर आप मेजर सिटीज की बात करें जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम बहुत अच्छा है, आप दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो एक रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहां भी जब रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली लोग उसको फॉलो करेंगे और गाड़ियों की जो संख्या है रोड पर कम होगी। देखिए, रोड की विड्थ फिक्स है और श्रीनगर सिटी में अगर आप देखेंगे, आप क्या ये तवक्को रखते हैं कि डल के नजदीक फोरशोर रोड की विड्थ हम बढ़ा दें, डल की तरफ ले जाएं? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो इसके लिए एक अच्छा मुनज्जम तरीका कार इवॉल्व किया जाएगा और डेफिनेटली इस इशू को भी ओवरकम करेंगे। एनीथिंग आई फॉरगेट टू